के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, काजी निजामुद्दीन जो इंचार्ज हैं वो आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांग रहा हूं, और बबई में कुमावत गेस्ट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की 9 तारीख को जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके लिए सभी खेतरी के कार्यकर्ताओं की आसपास के क्षेत्र उदयपुर वाटी से भी हमारे आमंत्रित आए थे। बहुत भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हमारे आए उसमें, और उसमें निर्णय हुआ कि प्रत्येक पंचायत से 500 जनप्रति हमारे आएंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक कार्यकर्ता जो एक एक पंचायत से 500 आएंगे, और बबई कस्बे से 5,000 और म्यूनिसपैलिटी से 3,000 हमारे कार्यकर्ता आएंगे। तो ओवरऑल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि कम से कम 30,000 से 35,000 लोग यहाँ शिरकत करेंगे, क्योंकि आसपास के विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी समझ झुंझुनू से और नीम का थाना और आसपास से भी हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि हमारे कार्यकर्ता उसमें आएंगे। और 4.5 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक खेचड़ी में आगमन है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगात देंगे। कम से कम 8-10 हमारी परियोजनाएँ हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण रिको है, देन बबई गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर उप जिला अस्पताल खेचड़ी है, उसके अलावा हमारे उप तहसील बबई, बबई थाना, और ये हमारे हॉस्पिटल जो है बबई का अभी जो अभी हमारे बना CSC, और बहुत सारी परियोजनाओं का माननीय, इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी घोषणाएं करेंगे CSC PSC की, और हम और बड़ी एक प्रस्तावित योजना के बारे में उनसे निवेदन करेंगे कि वो जब समय आएगा मैं आप बताऊंगा आपको। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की संभवतः झुंझुनू ज़िले की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मीटिंग और किसान रैली खेतड़ी में बबई में होने जा रही है।